हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रमोशन जो है रेलवे में कैसे मिलता है और उसका क्या क्राइटेरिया वगैरह होता है, इसी से रिलेटेड डिटेल जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप 1800 ग्रेड पे में जॉब ज्वाइन किए हैं, तो जैसे ही सीनियरिटी बेसिस पर जो है आप 1900 ग्रेड पे में फिर चले जाएंगे। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि कितने परसेंट इम्प्लॉई जो है डिवीजन में जो है 1800 ग्रेड पे में रहेगा, कितना 1900 ग्रेड पे में रहेगा, कितना परसेंटेज जो है 2400 जीपी में रहेगा। इस तरीके से एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। और जैसे आप 1800 ग्रेड पे में जॉब ज्वाइन किए हैं, तो सीनियरिटी बेसिस पर जो है आप 2800 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। और उसके बाद अगर जैसे आपको 4200 ग्रेड पे में जाना है, तो उसके लिए क्या है, एक एग्जामिनेशन वगैरह डिवीज़न या जोन लेवल पर कंडक्ट की जाती है। LDCE का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और GDC जोनल लेवल पर कंडक्ट की जाती है, जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके थ्रू जो है आप एग्जाम में जो है डिपार्टमेंटल जो है एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाती है, उसमें आप क्वालिफाई करके जो है 4200 ग्रेड पे में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसमें सिलेक्शन नहीं होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में, तो भी कोई समस्या नहीं है, आप सीनियरिटी बेसिस पर जो है 2800 ग्रेड पे तक पहुँच सकते हैं। और MACP का अलग क्राइटेरिया है। MACP जो है आपकी सर्विस लेंथ पर दिया जाता है। जैसे ही आपका 10 ईयर सर्विस कंप्लीट हो जाएगा किसी सेम ग्रेड पे में, अगर आपका प्रमोशन उस ग्रेड पे में 10 साल तक नहीं हुआ है, तो उस केस में जो है आपका ग्रेड पे जो है जो भी आप अगर 2400 ग्रेड पे में है, तो 2800 ग्रेड पे में चले जाएंगे। तो MACP अलग चीज़ है। उसका क्या है, 10 ईयर का क्राइटेरिया है, उसमें 10 साल पे जो है एक MACP मिलता है। अगर बीच में आपका वो 10 साल के ड्यूरेशन में जो है अगर आपको कोई प्रमोशन वगैरह नहीं मिला है वैसे केसेस में, तो सीनियरिटी बेसिस पर जो है आप आराम से जो है एक्चुअली जो है प्रमोशन ले सकते हैं। और ये जो है एक्चुअली आपका डिवीज़न लेवल पे एक एम्प्लॉय का जो है डिटेल रहता है, कितने एम्प्लॉय जो है कौन से ग्रेड पे में है, 1800, 1900, 4200, 4600, इस तरीके का जो ग्रेड पे जो होता है, इसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि कितने परसेंटेज एम्प्लॉय होगा, उसी के बेसिस पर जो है आपका सीनियरिटी बेसिस पर जो है प्रमोशन मिलता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है एक्चुअली सीनियरिटी बेसिस पर जो है कैसे प्रमोशन मिलता है, ये डिटेल जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।